इजाज अहमद और आप देख रहे हैं KTN न्यूज़ चैनल। इस वक्त तो बिहार में पंचायत चुनाव का माहौल है और हालांकि अभी डेट का अनाउंसमेंट नहीं हो रहा है और जल्दी होने वाला है। ऐसे में चारों तरफ चुनाव का माहौल है, आप देखेंगे चाय की दुकानों में, गांव में, गली मोहल्ले में हर शख्स की ज़ुबान पर इलेक्शन को लेकर के ही चर्चा हो रहा है। तो इस वक्त हम मौजूद हैं बरारी प्रखंड के सिक्कट पंचायत में और आज हम बात करने आए हैं पूर्व मुखिया जो कि दो टर्म मुखिया रह चुके हैं और इस बार भी मुखिया के प्रत्याशी हैं, जनाब तनवीर अहमद साहब। चलिए आज हम आपको उनसे रूबरू कराते हैं और उनके बारे में जानते हैं और उनसे खास बातचीत करते हैं। तो चलिए तनवीर जी, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो तनवीर जी ये बताइए कि पिछले दो टर्म आप मुखिया रह चुके हैं और इस बार भी आप मुखिया के उम्मीदवार हैं, तो क्या कारण था जो पिछले चुनाव में आप पीछे रह गए, इसके बारे में आप क्या कहेंगे, क्या कमी रह गई थी या क्या हुआ था, ऐसा कुछ कमी रह गई थी जो आपको मौका नहीं मिला था? ये पंचायती चुनाव जो होता है इसमें सबसे ज़्यादा अहम बात ये रहती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक विकास पहुँचाएँ। विकास दो तीन तरह के होते हैं, एक जो सरकारी आवंटन आते हैं जो सार्वजनिक रूप से जो है विकास होता है, जैसे रोड हो गए, स्कूल, हॉस्पिटल या अन्य तरह के भवन बनाने के लिए, और एक ऐसा विकास होता है जो जाति तौर पर पर्सनल उसको विकास दिया जाता है। परिवार के गरीब लोग होते हैं जिनको अनाज कार्ड, इंदिरा आवास, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन या अन्य तरह के जो है लोग विकास होते हैं, इन लोगों को विकास दिया जाता है। तो हमारे जो है साथ ऐसा हुआ कि जब हम लोग मुखिया बने जिस रीजन में, उस वक्त एक नया सिस्टम हम लोगों के साथ जोड़ दिया गया कि पर्सनल बेनिफिट आप डायरेक्ट किसी को नहीं दे सकते हैं, उसके लिए एक साधन बनाया गया कि जिनके पास BPL कार्ड होगा, अनाज कार्ड होगा, उन्हीं को आप इंदिरा आवास या अन्य तरह के विकास आप दे सकते हैं। तो चूंकि वो योजना हम लोगों के साथ में पहली बार जुटा, तो कुछ लोगों को ऐसा जन है लगा कि ये सभी लोगों के लिए जन है, लेकिन उनमें से जो है चुनना था कि इनमें हकदार कौन है, गरीब कौन है, वंचित लोग कौन है, तो उनके सर्वे के लिए एक सिस्टम बनाया गया था कि जीता हुआ मुखिया और हरा हुआ मुखिया, जीता हुआ मेंबर, हरा हुआ मेंबर, इसी तरह जनप्रतिनिधि जितने भी थे फर्स्ट और सेकंड, उनका एक ग्रुप बना था और घर घर जा कर के लोगों का सर्वे करके BPL में नाम जोड़ने का जो है कार्यक्रम हुआ। लेकिन उसमें जो हम लोगों ने सर्वे किया और जो सूची बनाया, वो सूची फिर जो है ब्लॉक को जमा करना पड़ा, वहाँ से फिर DRD गया और उसमें टाइपिंग में या फिर जो है कंप्यूटराइज में या फिर सूची बनाने में कुछ ऐसे लोग उसमें जो है शामिल हो गए और उनको एक्चुअली पंचायत के बारे में पता नहीं था, कंप्यूटराइज में कुछ गलतियां हुई, कुछ लोगों का नाम छूट गया। अब जिन लोगों का नाम छूट गया उसको तो दोबारा फिर जब तक जन सरकार की कोई अनुमति नहीं मिलती तब तक हम लोग उनका नाम जोड़ नहीं सकते थे। तो यही कारण था कि जना बहुत लोगों का नाम BPL में नहीं आया, अनाज कार्ड में नहीं आ सका, उसको पर्सनल बेनिफिट या जाति फ़ायदा उसको नहीं पहुँचा सके, इसी कारण से कुछ लोग नाराज़ थे। और वो ऐसा हुआ कि जन दो टर्म गुजर गया तो दोबारा सर्वे होने का जन कोई रास्ता नहीं निकला, और जब अनाज कार्ड दोबारा बनाने की बात हुई तो किसी एजेंसी के द्वारा जन बनाया गया, उसमें भी हम लोगों का कोई हस्तक्षेप नहीं रहा। यही कारण था कि पिछले 10 साल दो टर्म मुखिया रहने के बाद भी कुछ लोगों का विकास नहीं करा सका, लोगों का गुस्सा या जो है पर्सनली बेनिफिट नहीं मिलने के कारण एक होता है आक्रोश होता है, तो उन लोगों के मन में ऐसा हुआ कि हो सकता है कि मुखिया जी जानबूझ करके हम लोग के विकास में जो है दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं, तो कोई नया उम्मीदवार या कोई दूसरा अगर आता है तो शायद हम लोगों का काम बन सकता है, यही जहन लोगों के दिल में काम किया और जना हमको वोट कुछ लोग नहीं दे सका और मैं हारा। जी,
तो मुखिया जी ये बताइए कि आप हालांकि इस बार जनप्रतिनिधि नहीं रहे, लेकिन फिर भी आप समाज में अपने अपने क्षेत्र में आप अपनी जगह पे लोगों से मिलते जुलते रहे, और तो आप ये बताइए कि जो लोग इस बार जनप्रतिनिधि रहे हैं चाहे मुखिया हो, सरपंच हो, समिति हो, वार्ड मेंबर हो, तो सबका कार्यकाल आप इस बार देखें खाली, क्योंकि आप इस बार आप विपक्ष में हैं, आप इस बार छुट्टी में हैं, तो आप बताइए कि इस बार सबका कार्यकाल और लोगों का जो काम है वो कैसा कुछ हो रहा है, कैसा कुछ हुआ? लगभग जहना काम तो हो रहा है, लेकिन कुछ दिक्कत रहा है जो जहना पर्सनली हम किसी पर जहना छिटाकसी करना नहीं चाहते हैं, हो जाता है, कुछ लोग जहना जानबूझ के नहीं करते हैं, लेकिन कुछ कमी रह जाती है। अब सरपंच साहब हैं, ठीक है, अच्छे लोग हैं, लेकिन हम समझते हैं कि सरपंच साहब को और ज़्यादा समय देना चाहिए था लोगों को, थोड़ा सा समय कम दे रहे हैं, और है ठीक है, बहुत अच्छी बात है जो किए हद तक, लेकिन और बढ़ चढ़ करके किया जा सकता था, मैंने ऐसा महसूस किया। और मुखिया की बात है तो मुखिया जो है वो अपना हिसाब किताब होता है सबका, विकास करने का, लोगों के साथ मिलना जुलने का, तो उसका एक अलग जो है तरीका है, लोगों के साथ मिला, विकास जहाँ तक हो सका हुआ। कमी थोड़ा सा ज़्यादा जो है समिति में रह गई, हालांकि समिति के पास समिति का असल में काम भी बहुत लोग को नहीं पता होता कि असल में मुखिया से हर कोई सवाल करता है कि हमारा आधार नहीं बन रहा है, वो राशन नहीं बन रहा, और जो क्या नाम है, जो भी सरकारी योजना, मुखिया से सवाल करते हैं, लेकिन समिति का असल काम होता क्या है अभी तक लोगों को पता नहीं है। तो आप समिति का क्या काम? समिति का फंक्शन तो सबको पता है, उसका थोड़ा सा कम जिम्मेदारी है, लेकिन हम समझते हैं कि जिम्मेदारी कम हो या ज़्यादा हो, लेकिन पंचायत में वो अपना जो है अपना एक्टिविटी, अपना कार्यकलाप दिखा सकते हैं, बढ़ चढ़ करके दिखा सकते हैं, वो भी एक अच्छा ये है तरीका है समिति का। लेकिन हमने देखा कि समिति बिल्कुल स्थिर रह गया, ब्लॉक से हो, प्रखंड से हो, किसी भी आमंत्रण को ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ करके पंचायत के लिए ला नहीं सका। और एक माध्यम होता है इसके द्वारा, समिति के द्वारा, के किरासन तेल का जो एक हॉकर वाला तेल होता है, एक्चुअली होता तो है मुखिया के अंडर में, लेकिन हम लोग पहले भी और जो है कुछ लोग समिति के द्वारा जो है बंटवाने का या आवंटन उठाने का काम करवाते हैं, उसका भी एक ये रोल होता है। लेकिन इस सर बहुत अफसोस की बात रह गई कि अगर मुखिया के द्वारा ही अगर जो है बंटवाया गया जो है होकर का तेल, लेकिन हमने कभी 5 साल में नहीं देखा कि 14 वार्ड, 13 वार्ड या फिर 8 वार्ड या 4 वार्ड या अन्य कई वार्ड में कहीं कहीं सुनने में आया कि वहाँ एक बार दो बार बटा, लेकिन जो है बिल्कुल एक सिलसिलावार तरतीबवार जो है हर वार्ड में एक महीना के बाद, या कुछ लोगों को जो हकदार जिनके पास अनाज कार्ड नहीं है, जिसको किरासन तेल आवंटित नहीं होता है, कुछ गरीब लोग छूटे होते हैं, उन लोगों को देना होता है, इस बार लेकिन ऐसा नहीं देखा गया। आखिर किस तरह उसको बांटा गया, किस तरह नहीं बांटा गया, या हमको लगता है कि वहाँ तक हम जानकारी लेने के लिए गए भी नहीं। और तो मुखिया जी ये बताइए कि इस बार मान लीजिए कि इस बार आपको जनता का प्यार मिलता है और आप इस बार जनप्रतिनिधि के रूप में आते हैं, तो वैसी कौन सी कमी और क्या काम, हालांकि जो भी हुआ है हो रहा है, लेकिन कहां से आप काम को दोबारा स्टार्ट करना चाहेंगे, कौन सी कमी और क्या क्या छूट गया है उसके बारे में? जी, अगर जो लोग हमको सहानुभूति और एक बार फिर कामयाब होने का मौका अगर देते हैं, तो मैं जो है सबसे ज़्यादा ध्यान और जो है आकर्षित उन लोगों की तरफ कराना चाहूँगा, क्योंकि हमारा पंचायत का भौगोलिक स्थिति थोड़ा सा जो है दूसरे टाइप का है, बहुत लंबा है, हर वार्ड के लोग मुखिया के साथ मिलना जुलना या किसी काम के लिए जो है जाने में थोड़ा सा जो है हिचकिचाहट या दूरी की वजह कर जो है नहीं आ पाते हैं,
मेरा सबसे पहला ये रहेगा कि मैं इस दूरी को इस बार ख़त्म करूंगा, मैं विकास हर घर के द्वार पर ला के खड़ा करूंगा। किसी को जो है मुखिया से जो है जाने की या उसको बुलाने की या फिर जो है बहुत ज़्यादा जो है कोशिश करने की ज़रूरत नहीं है। हम खुद ही इस बार हम कोशिश करेंगे कि हर घर और हर द्वार पर हम विकास लेकर के पहुँचेंगे, हर तबके के लोगों को हम जो है जुड़ेंगे और किसी भी वंचित आदमी जो शुरू से अब तक जो है उसको कोई लाभ नहीं मिल सका, हमारे रीजन में भी हम नहीं दे सके और इस 5 साल में भी उनको नहीं मिल सका, मैं उन सब को जो है एक अलग सूची बना करके सबसे प्राथमिकता के तौर पर उन लोगों को विकास पहुंचाऊंगा। तो इस बार आप अपने पंचायत के लोगों को क्या क्या कहना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे आप उनको? पंचायत का आदमी को तो सबसे पहले मैं जो है होली का बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा और आने वाले जो है रमजानुल मुबारक के लिए जो है तमाम मुसलमान भाइयों को भी मुबारकबाद पेश करता हूँ। और इस चुनाव में मैं तमाम बुद्धिजीवी और जो है जिम्मेदार लोगों को थोड़ा सा जो है जिम्मेदारी निभाने के लिए बोलूँगा कि खुली किताब है, मैंने 10 साल रहा, अभी जो चला रहे हैं वो भी उनका भी काम सब कोई देखा है, आप लोग अपना अपना जिम्मेदारी निभाइए और सामने आकर के सही प्रतिनिधि चुनने का जो है काम करें और लोगों को भी बोलें कि जो सही है उसको जो है चुनें। धन्यवाद मुखिया जी हमसे हमारे चैनल से बात करने के लिए। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।